हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे COVID-19 के मेडिसिंस और प्रिकॉशंस एंड हाउ टू रिकवर फ्रॉम कोरोना वायरस और कोविड बाय होम आइसोलेशन। एंड मैं जो बताने वाली हूँ वो एक माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट के लिए है, या फिर आप वेरी सीरियस कोविड पेशेंट हो देन यू कंसल्ट टू डॉक्टर। एंड मैं भी जो बता रही हूँ वो आप मेरे बस वीडियो से आप कुछ मेडिसिन मत खा लेना, कि कुछ मेडिसिन आप खरी अपने मन से खरीद के मत ले आना। यू जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। एंड आई एम शेयरिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज एंड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दैट यू आर कंज्यूमिंग व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन एंड फॉर व्हाट एंड व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन इन प्रिकॉशन व्हाट शुड यू टेक। सो आज की पैंडेमिक सिचुएशन में तो सब घर पे है, होम क्वारंटाइन, सब बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, हर चीज़ बंद है अब। तो पहले मैं कहना चाहती हूँ, बी पॉजिटिव मीन्स थ्रू माइंड गेट पॉजिटिव, नॉट बाय कोविड पॉजिटिव। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला हमारा मेडिसिन है एजिथ्रा टैब, वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका क्वांटिटी 7 और उसका इंस्ट्रक्शन टू यूज़ 1 tablet डेली आफ्टर मील इन आफ्टरनून, मीन्स आफ्टरनून दोपहर में खाने के बाद 1 tablet डेली। देन टैबलेट इवरमेक्टिन 12 mg, एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है जिसका क्वांटिटी 3 है एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इज़ 1 tablet डेली आफ्टर डिनर, मीन्स रात के खाने के बाद 1 tablet डेली हर दिन। देन थर्ड मेडिसिन इज टैबलेट जिंकोविड, एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जिसका क्वांटिटी 14 एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इज 1 tablet डेली इन द मॉर्निंग एंड सॉरी आफ्टर ब्रेकफास्ट, मीन्स हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इसको ये टैबलेट लेना चाहिए। एंड टैबलेट सेलिन 500, एक विटामिन सी टैबलेट है जिसका क्वांटिटी 14 एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इज सेम एज जिंकोविड, मीन्स डेली ब्रेकफास्ट के बाद मॉर्निंग में इसको लेना है। देन टैबलेट पैन 14, एसिडिटी रिलेटेड, मीन्स स्टोमक में जो एसिडिटी हो जाता है उसके रिलेटेड ये टैबलेट है टैबलेट पैन, इसका क्वांटिटी 7 है एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इज 1 tablet इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक, एम्प्टी स्टोमक मीन्स खाली पेट हर दिन सुबह खाना चाहिए। देन कैप लूमिया 60 mg, कैप लूमिया 60 mg, एक विटामिन डी टैबलेट है जिसका क्वांटिटी 4 है एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इज 1 capsule वीकली, मीन्स एक हफ्ते में 1 capsule। देन टैबलेट मोन्टेक LC, एक एलर्जिक टैबलेट है जिसका क्वांटिटी 5 है और इसको 1 tablet आफ्टर डिनर, डिनर के बाद 1 tablet। देन डोलो 650, एक पैरासीटामोल है मीन्स फीवर के लिए, बॉडी पेन लाइक दिस, इसका क्वांटिटी 6। देन इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इज 1 tablet आफ्टर मील मीन्स और ब्रेकफास्ट इफ फीवर, यदि फीवर हो तो 1 tablet मील के बाद या फिर ब्रेकफास्ट के बाद। देन बेटाडिन गागले मीन्स फॉर गागलिंग, माउथ गागलिंग, उसके लिए क्वांटिटी 1, 3 times a day, 1 day में 1 दिन में 3 बार करना होगा। देन बेस्पी कोल्ड कफ सिरप, ये कफ सिरप है जिससे सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ, उसके लिए है क्वांटिटी 1 एंड एज यूजुअल 3 times a day,
डे में 3 टाइम्स करना होगा यदि कफ हो तो। एंड ये सब टैबलेट्स कैप्सूल मेडिसिंस जब आपको कुछ जो सिम्टम्स दिख रहा है वही लेना होगा। एंड बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन कंसल्ट विद अ डॉक्टर देन यूज। देन आइसोलेशन में तो रहना है आपको या फिर कोविड हुआ है बस मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा और ना ही ये कोविड की मेडिसिन है, ये बस हमारे जो सिम्टम्स दिखाते हैं उसके रिलेटेड मेडिसिन है, जस्ट गेस करके मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि विटामिन्स की कमी से हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम होते हैं कोविड्स के, वो इसलिए विटामिन्स के मेडिसिन, एलर्जिक मेडिसिन इसलिए, बुखार होता है कोविड में इसलिए पैरासीटामोल दिया जा रहा है, कफ होता है ड्राई कफ होता है इसलिए उसका मेडिसिन दिया जा रहा है। ये कोई कोविड मेडिसिन नहीं है बट रिकवरी होने के लिए माइल्ड एंड मॉडरेट के लिए पेशेंट के लिए मेडिसिन है। देन बस मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना भी होगा, जैसे स्टीमिंग लेना होगा। स्टीमिंग के लिए आप घर में गर्म पानी करके उसे किसी सिलिंड्रिकल यूटेंसिल में रख के लाइक ग्लासेस आप डायरेक्ट नोज में ले सकते हो, बट उससे क्या ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। एंड हमें कुछ हाई टेम्परेचर के वेपर्स चाहिए, हॉट वेपर चाहिए, जिससे कि कोविड जो वायरस है कोरोना वायरस वो पैरालाइज्ड हो जाए या फिर डेड तो नहीं होगा, पैरालाइज होगा। डेड होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जो हम ले नहीं सकते। तो इसके लिए आप ऑनलाइन से कुछ भी स्टीमर आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी शॉप से स्टीमर आप ख़रीद सकते हैं जो जिसमें नोजेलर होता है एक, उसमें आप उसको आप नोज़ में डाल के आप स्टीमिंग ले सकते हो। उसका प्राइस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग होता है 700, 400, 800, 2000 इस टाइप का प्राइस रहता है उसका। तो फर्स्ट इज़ इन्हेलेशन मीन्स स्टीम इन्हेलेशन, आप वेपराइजर जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है और इसको भी 3 टाइम्स डे में 3 टाइम्स लेना होगा, वेपराइज करना होगा, जिससे कि आपका जो कोरोना वायरस से जो आपके नाक के अंदर घुसा हुआ है वो पैरालाइज हो सकता है। 4 डेज तक आपके नाक के अंदर रहता है तो वो पैरालाइज हो सकता है, वो धीरे धीरे डेड भी हो सकता है। सो स्टीमिंग करना इम्पोर्टेंट है। देन पल्स ऑक्सीमीटर, आप हमेशा अपना ऑक्सीमीटर चेक कीजिए, मीन्स ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीमीटर एक ऑक्सीजन लेवल चेक करने का एक मशीन होता है छोटा सा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका यदि 95 से या फिर 94 से 100 रहा तो आप बेस्ट आपका ऑक्सीजन लेवल है, या फिर 94 से 90 आ गया तो आपका ऑक्सीजन कुछ शॉर्टेज होने लगा है। देन 90 से नीचे आ गया देन यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड टेक द ऑक्सीजन एंड शुड एडमिट। फर्स्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड इसे भी एक दिन में 3 टाइम्स चेक करना चाहिए ऑक्सीमीटर से। एंड देन फूड, द मेन इज़ फूड मीन्स प्रोटीन रिच डाइट खाना है, फ्रूट, देन अवॉइड कोल्ड फ्रूट टोटल अवॉइड कर देना, हॉट फूड मीन्स गर्मी हो या फिर जो हो आपको कोविड से बचने के लिए हॉट फूड खाना ही होगा। देन ड्रिंक मिल्क एंड टर्मरिक इन द नाइट एंड इवन इन द मॉर्निंग ऑल्सो यू कैन ड्रिंक दिस टर्मरिक एंड मिल्क एंड येस हॉट वाटर की काढ़ा वो भी आप पी सकते हैं। देन ईट वालनट एंड अंजीर एंड 2 eggs, यस eggs इज प्रोटीन रिच डाइट, सो एक खाना भी बहुत हेल्पफुल रह सकता है। आप एक खाओ, ऐसा नहीं है कि कोविड पेशेंट को नॉनवेज खाना ओवर है, आप एक खा सकते हो।
वॉलनट, ये सब सबके लिए अफोर्ड करना तो हो नहीं सकता, तो आप एक खाओ, एक तो सबके पास सब अफोर्ड कर सकते हैं। देन फ्रेश एंड अनप्रोसेस्ड फूड वो भी खाओ, फ्रेश फूड। देन इनफ ड्रिंक वाटर, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियो। एंड वाटर पीने से बस कोविड ही नहीं, आपको कोई डिजीज भी नहीं होगा। मीन्स वाटर इज़ वेरी 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 एसेंशियल फॉर द बॉडी, उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, एंड सो ऑन, बॉडी फिट रहता है, कितना कुछ। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, जो कम वाटर पीते उनको बहुत सारे डिजीज होने का चांसेस होता है। देन ईट मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल्स, ऑयल बहुत कम खाओ, फैट भी बहुत कम खाओ। देन ईट लेस सॉल्ट एंड शुगर, शुगर एंड सॉल्ट वो भी बहुत कम खाओ। देन अवॉइड रीडिंग एंड लिसनिंग मोर को अबाउट COVID-19 एंड बी पॉजिटिव, मीन्स जैसे बहुत केसेस आ रहे हैं डेथ का, फायर जैसे जल रहे हैं, सब पेशेंट को जला रहे हैं, वो सब इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं वो सब देख के। और वैसे वीडियोस, वैसे फोटोज़ से अवॉइड रहो, वैसे न्यूज़ से अवॉइड, मतलब दूर रहो, वैसा कुछ पढ़ो मत। हाँ, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो, एंड डोंट बी पैनिक आफ्टर रीडिंग दैट टाइप ऑफ न्यूज़। एंड पढ़ो ही मत, नेगेटिव लेना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बी पॉजिटिव बाय योर माइंड, नॉट बाय कोविड। देन एवरेज रिकवरी टाइम इज़ 10 to 14 days। आपका कोविड जब हो जाएगा तब उसका एवरेज रिकवरी टाइम है 10 to 14 days। मीन्स जो नॉर्मल और मॉडरेट हैं उनके लिए ये सही है, बाकी जो पूरा हाई पूरा लास्ट स्टेज में चले जाते हैं उनका कुछ कह नहीं सकते। देन गेट अनदर RT-PCR टेस्ट आफ्टर 2 weeks आफ्टर डिटेक्शन, मीन्स आफ्टर 14 days एक RT-PCR टेस्ट लेना ज़रूरी है, उसको लेना। देन नो नीड फॉर इमीडिएट सिटी स्कैन ऑफ लंग्स इफ पेशेंट इज़ फाइन, मीन्स आपको यदि नॉर्मल माइल्ड और मीन्स कुछ ठंडी बुखार ऐसे, मतलब कि जैसे नॉर्मल मेडिसिन से जैसे मैंने बताया उससे आप मतलब काम चल जाएगा, डॉक्टर कंसल्ट हुए वो बोले कि ये मेडिसिन में आप ये मेडिसिन को आप लीजिए ऑन गेट फॉर आइसोलेशन फॉर 14 days, देन नो नीड फॉर सिटी स्कैन ऑफ लंग्स, इतना पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं, कीप पेशेंस एंड बी फाइन। देन आपको यदि कोविड पॉजिटिव आया और आपके पास जो भी फैमिली मेम्बर्स, एम्प्लॉयज, जो भी हो, चिल्ड्रंस मीन्स स्टूडेंट्स, आप टीचर हो, स्टूडेंट्स, कोई भी आपका एम्प्लॉय, तो उन सबको बोलिए, आप जिस जिस से कॉन्टैक्ट आए उन सबको बोलिए एक बार कोविड टेस्ट करा लें। देन उनको भी यदि कोविड पॉजिटिव आया तो टेल देम टू टेक मेडिसिंस, डॉक्टर कंसल्ट विद डॉक्टर, गेट आइसोलेटेड। देन जो कोविड पेशेंट है वो फुल रेस्ट, कोई भी ज़्यादा काम ना करे जिससे बॉडी वीक हो जाए, तो फुल रेस्ट लो, कुछ अच्छे बुक्स, नॉवेल, आर्टिकल्स आइसोलेशन में पढ़ो जिससे बोर ना लगे। फ़ोन तो है, फ़ोन में कुछ लगे रहो, बट नो नेगेटिव थॉट, नो पैनिक, बी यू विल बी फाइन, एंड कीप होप that everything will be fine. Thank you. And यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक इट, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इसको ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड जिसको भी कोविड हुआ है
कोरोना पेशेंट है जो अभी, उन सबको शेयर करो ताकि वो भी जाने कि क्या कोविड के किए मेडिसिन से, आइसोलेशन के टिप्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ स्पीड रिकवरी. थैंक यू.